हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे प्रोनाउन तो हमने पहले से पढ़ लिया है आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो एक्सरसाइज है उसको फिल किया जाएगा और कौन कौन सी प्रोनाउन जो है वो आपका फिल होगा ठीक है तो आई होप कि आप रेडी होंगे सब तो द फर्स्ट सेंटेंस इज विच इज द रिफ्लेक्सि प्रोनाउन इन द सेंटेंस वो कह रहा है आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें कि आपका रिफ्लेक्सिव पर नाउन कौन सा है अब आपने अपर, अब आप इन सब सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए इनका प्रॉपर आंसर एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव पर क्या होता है जहाँ और बाकी जो पर है वो सब क्या होते हैं वो सब टाइप्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए देन यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर ठीक है तो

तो ये फोर इसमें इस से जो हर सेल्फ होगा यही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा राइट आंसर इज द हर सेल्फ ठीक है और हर सेल्फ जो है दैट इज सेंटेंस इज विच इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन सेंटेंस थ्रू आउट देयर स्टे इन द टाउन दे वर सर्वड अस वो कह रहा थ्रू आउट देयर स्टे इन टाउन जब तक वो यहाँ पे टाउन में रहे देवर बायस। मतलब उनको हम सबने क्या किया प्लेस पे आता है अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि दे तो आपका सब्जेक्टिव प्लेस पे है लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस पे क्या है आपका अस अस इज यूर ऑब्जेक्टिव पर नाउन इज दिस

पोजेसिव उन होते हैं जब आप पोजेशन शो करते हैं जब कोई चीज ऑनरशिप शो करते हैं हम बात करें अबाउट हिज बिहेवियर बिहेवियर उसके की बात मतलब जो बिहेवियर की बात हो रही है वो उसका बिहेवियर है 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 ठीक तो ये शो हो रहा ना बिहेवियर किसकी बात कर रहे हैं उसी के तो ये आपका इसलिए यहाँ पे हिज जो होगा दैट इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट इज द विच इज द इंटेंसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस अब इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ही इंट्रोड्यूसड हिमसेल्फ टू द न्यू मेंबर्स उसने उसको किससे इंट्रोड्यूस किया ने आप हिम उससे इंट्रोड्यूस किया टू न्यू मेंबर से अपने आपको किससे इंट्रोड्यूस किया न्यू मेंबर से तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो होगा दैट इज द राइट आंसर ठीक है फिफ्थेंस इज तो की मदर जो है शेरी की जो मदर है वो उससे कहती है जो है वो किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर को ओपन नहीं करना है थीके? तो आप शहरी की मदर है आप शहरी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है लेकिन हम एज ए फीमेल मान के चल रहे हैं कि शहरी जो है वो फीमेल है एक लड़की है उसकी मदर उससे कह रही है इसलिए यहाँ पे हर जो है दैट इज द राइट आंसर डिमोन्स्ट्रेटिव परनाटिव परनाया था डिमोन्स्ट्रेटिव परिस होगा ठीक है तो अब so, इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव परनाउन क्या आएगा दिस तो दिस इज द राइट आंसर तो दिस इज द डिमोन्स्ट्रेटिव परनाउन यहाँ पे आपको कहीं चूज नहीं करना था सिर्फ ये बताना था की डिमोन्ट्रेटिव पर नाउन कौन सा है इन चारों में से विच इज दब्जेक्ट पर नाउन इन देंटेंस अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा सब्जेक्टिव पर नाउन जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा पे है ही नहीं।, तो best friend भी नहीं है आपका सब्जेक्ट दैट इज दू इज दब्जेक्टिव प्लेस तो यू जो है दैट इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज यूर पोजेसिव पर नाउन आपने बताना है इस सेंटेंस में माई बेबी ड्रॉप हर हैं की ऑन द ग्राउंड अब देखिए पोजेशन मैंने पहले ही बताया पोजेशन शो करता है रिलेशनशिप किसी चीज का आपके साथ किसी के बारे में तो पर की बात कर रहे हैं तो पोजेसी पर नाउन में वो कह रहे हैं कि माई बेबी ड्रॉप उसने मेरे बेबी ने ड्रॉप कर दिया मतलब गिरा दिया अपना हैंकी हर हैंकी मतलब अपना खुद का ही है ऑन द ग्राउंड हर क्या है हर जो है वो उसी के साथ रिलेशन शो कर रहा है उसके हैंकी के साथ तो हर जो है वो आपका पोजेशन शो कर रहा है नेक्स्ट इज यूर विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रनाउन इन देंटेंस अब रिफ्लेक्सिव परनाउन आपने बताना है मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट सेंटेंस में भी आपका रिफ्लेक्सिव पर था कि वो क्या है तो यू मस्ट ट्रस्ट वो कह रहा है तो तुम्हें ये जरूरी है कि तुम्हें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए ठीक है तो आपको पता you आपका है यू आपका सब्जेक्टिव परनाउन रहेगा मस्ट आपका मॉडल वर्व है ट्रस्ट और यूर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव परनाउन है तो यूर आपका आंसर रहेगा लॉरा वॉज बॉर्न इन फ्रांस बट डैश मदर वॉज बॉर्न इन जर्म जर्मनी देखिये लॉरा जो है वो किसी मेल का नाम भी हो सकता है फीमेल का भी हो सकता है ठीक है कईयों ने बच्चों के नाम अलग अलग रखे हैं आजकल कोई मेल का भी बॉय का भी हो सकता है बॉय बेबी का भी तो गर्ल का भी हो सकता है अगर आप लॉरा को एज ए बॉय मान रहे हैं तो यहाँ आप हिज मदर लिखेंगे बट uh, अगर आप इसको फीमेल मान रहे हैं तो यहाँ पे हर मदर लिखेंगे तो मैंने इसको फीमेल माना इसलिए मैंने लिखा है हर मदर वॉज बोर्न इन जर्मनी ठीक है तो हर इज द राइट आंसर तो गाइस दीज आर माय सिस्टर्स डैश नेम्स आर कैथी एंड नीना तो अभी ये जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरी दो सिस्टर्स हैं और एंड देयर नेम मतलब उनके नेम उनके नेम्स क्या है कैथी एंड नीना तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका देयर तो नेक्स्ट इज यूर विच ऑफ द डेफिनेट ठीक है हम definite नहीं है उनके बारे में कि वो कितनी है, कितनी चीजें नहीं है आप देखिए आपका विच जो है दैट इज यूर इंटेरोगेटिव परनाउन भी होता है और बीच में अगर कहीं लग जाए तो दैट इज यूर रिलेटिव परनाउन होम भी आपका सेम है माइंड आपका पोजेसिव है तो एक ही बचता है दैट इज आल तो आल जो है दैट इज इनडेफिनेट परनाउंस नेक्स्ट इज यूर माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग कैन आई यूज यूर्स वो कह रहा मैं अपना मेरा जो है वो वर्क नहीं कर रहा तो क्या मैं तो आपका यूज कर सकता हूँ तो कैन आई यूज यूर्स यूर्स इज द राइट आंसर ही ब्लेम्ड डैश फॉर द मिसहैप वो कह रहा है उसने ब्लेम किया था इसके लिए ही ब्लेम्ड अब आप यहाँ पे हिंसा ही ब्लेम्ड यूर uh, सेल्फ नहीं लिख सकते आप हिमसेल्फ उसने खुद को ही आप ब्लेम किया था मिस है जो भी हुई थी ठीक है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो अब आपने यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन फिल करना है तो फर्स्ट में आपका कोई भी इंटेरोगेटिव आएगा जब जैसे है डिड यू फिनिश द गेम अब आप यहाँ वेयर भी लगा सकते हो वेयर फिनिश द गेम आपने कहां पे गेम को फिनिश किया था वेन डू गेम आपने गेम को कब फिनिश किया था तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं आ, इसका राइट आंसर यहां पे यूज़ किया ठीक so uh, right है तो नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग सेंटेंसेस जैसे ही अबाउट डैश मेनी बुक्स है वो फेमस राइट साइंटिस्ट है अबाउट

मतलब जिसको देखा दी नेक्स्ट इज दूर बट मेक पीपल हेल्थी एंड बोल्ड वो कहता है स्विमिंग जो है विच इज अ गुड स्पोर्ट ऑल्सो जो क्या है एक आपका गुड स्पोर्ट भी है और वो आपको बॉडी को हेल्थ भी हेल्दी भी रखता है और आपको बोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है नेक्स्ट इज यूर हॉर्स डैश आई सिलेक्टेड वॉन द रेस येस्ट डे वो कहता है हॉर्स विच आई सिलेक्टेड जो कि मैंने सिलेक्ट किया था कल वो रेस जीत गया है मतलब ठीक है तो ये आपका इंटेरोगेटिव परनाच का राइट आंसर तो गाइज ये आपको मैंने दिस इज फॉर यूर होमवर्क ये आपका प्रैक्टिस वर्क है तो आप अच्छे से सारे प्रनाउन को discuss, uh, उसकी और देन इसको फिल कीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसमें कौन कौन से राइट right आंसर आएंगे ओके okay? तो ये परनाउन की वीडियो है जो मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था आई होप कि आपने सबने अच्छे से आंसर फिल कर लिए होंगे तो अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि इसके राइट right आंसर क्या है वी श्योर दैट एवरी वन व्रिंग्स डैश ओन बुक ठीक है हम श्योर sure है कि हर एक ने कौन सी uh, क्या खरीदी होगी और हर एवरी वन में आपका बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है तो आपका हिज और हर दोनों में से कोई एक, कोई एक भी सेल कर सकते हो आप मार्क एंड डैश आई गुड फ्रेंड्स फॉर इयर्स वो कहता है मार्क इज अ पर्सन कोई लड़का है या लड़की है वो कह रहा है कि मार्क और मैं जो है वो बहुत देर से क्या रह चुके हैं बहुत सालों से अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं ठीक है इफ डैश कॉल देम दैट आई विल बी बैक इन आर आर तो उनको बता देना मैं एक घंटे में वापिस आ जाऊंगा तो आई इज यूर पर्सनल पर ठीक है डिड यू सी टॉम एंड डैश एट द मैच क्या तुमने देखा टॉम uh, को और उसे

हर पर्सन के अंदर वैसे तो हम देखिए फीमेल मेल के अंदर ही आती है इसलिए हम ज्यादातर हिज का यूज करते इमोटल जैसे हम यूज करते हैं हम मैन ही यूज करते हैं है, वुमेन नहीं यूज करते हैं तो जब भी जनरल वे में यूज करते हैं तो वो हिज हिज का यूज होता है ठीक है तो ईच पर्सन के लिए आपका हिज यहाँ पे यूज कर लिया द लोकल गवर्नमेंट प्लान टू कट

क्रिस्टोफर एंड टू ट्रेवल टू वो कहता Christopher and I, और मैं हम चाहते हैं करना फार कुछ दिन के लिए वो वाली तरफ से दूर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर शॉक्ट बोथ माई ब्रदर एंड मी वो कहता जो हमने कॉस्ट है हम हमने जो कार रिपेयर की उसकी जो कॉस्ट है उसने हम दोनों को शॉक कर दिया मेरे ब्रदर को एंड मी मी इज द ओके okay, तो गाइस ये आपकी आंसर जो मार्क किए थे ये आपके राइट आंसर है आई कि आप सबने अच्छे से फिल किए होंगे अब जो होमवर्क दिया है वो आप उसको फिर से डिस्कस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको उसके करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल